बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मुंबई पहुंच चुकी हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से निकालकर खार स्थित उनके घर पहुंचाया गया है। वहीं एयरपोर्ट के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। एक तरफ कंगना के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उनके विरोध में भी प्रदर्शन हो रहे। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस के एक हिस्से को अवैध बताकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। पहले बीएमसी ने एक नोटिस चिपकाया और अवैध निर्माण तोड़ने की बात कही और थोड़ी ही देर में बीएमसी के अधिकारी हथौड़ा लेकर कंगना के ऑफिस पहुँच गए। ऑफिस के भीतर तोड़फोड़ की। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते में रोक के मारेंगे और ऐसा सरकार के समर्थन से होगा, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की इस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का देश में अपमान हो रहा है। इसी तरह तमाम लोगों ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। बता दें कंगना दोपहर करीब 12:30 बजे चंडीगढ़ से मुंबई के लिए निकली थी। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट से बुधवार को कंगना रनौत को बड़ी राहत देते हुए उनके ऑफिस के अवैध निर्माण ध्वस्त करने पर रोक लगाई। कोर्ट ने बीएमसी की कार्यवाही पर रोक लगा दी। अभिनेत्री ने बीएमसी की कार्यवाही को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस के एक हिस्से को अवैध बताकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति रिपोर्ट।